जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू में से कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू हमने पढ़े, दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल वो होते हैं जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं, जिनमें सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल होती है, ठीक है, एक सेल की किस्म होती है, ठीक है। जबकि अगर हम कंपाउंड टिश्यू या कम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं। मोर देन वन टाइप का मतलब है एक से ज़्यादा किस्में होती सेल के और सारे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन किस्में मुख्तलिफ होने की वजह से इनका क्या होता है, इन सब का फंक्शन सेल का क्या होता है, सेम होता है। फंक्शन क्या होता है इनका, सेम होता है। दूसरी बात ये, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंडक्शन करवाना। क्या करवाना, कंडक्शन करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना। अब आइदर वो कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट किसकी हो सकती है, या तो वाटर की हो सकती है, वाटर और मिनरल्स, और या वो क्या हो सकती है, फूड की। दो टाइप्स की कंडक्शन होती है प्लांट्स में, वाटर और मिनरल्स की, जो से रूट से लेके ऊपर एरियल पार्ट ऑफ प्लांट तक जाने होते हैं, यानी कि लीव्स तक जाने होते हैं। और दूसरी कौन सी होती है कंडक्शन, फूड की। फूड का मतलब कि जो खुराक, जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बना है, उनकी ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को। ये दो फंक्शन मेन है किसके, कंपाउंड टिश्यू के या कम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट टिश्यू के, ठीक है। अब अगर तो कंडक्शन दो टाइप्स की होती है ना, वाटर और मिनरल्स की, और किसकी होती है, फूड की, ठीक है। अब अगर अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन देयर ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट मोड, तो दो टाइप्स में डिपेंड, मिनरल और वाटर की जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं जाइलम टिश्यू, ठीक है, जाइलम टिश्यू कहते हैं। और जो फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोएम टिश्यू। तो दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं कंपाउंड टिश्यू, दो टाइप्स पे डिवाइड होते हैं, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम टिश्यू की। जाइलम टिश्यू बेसिकली इंपॉर्टेंट किसके लिए है, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर मिनरल्स सॉल्ट, या जितने भी डिजोल्व्ड मैटर होते हैं, जितने भी डिजोल्व मतलब होते हैं जो पानी में हल हुए होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फोर्स जितने भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स हम देते हैं वो भी पानी में ही डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो जितने भी वाटर मिनरल्स सॉल्ट्स डिजोल्व हुए होते हैं पानी में, उनकी कंडक्शन रूट से लेके, कहाँ से उनका रूट होता है, रूट से लेके एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट को हम कहते हैं लीव्स, उनको हम क्या कहते हैं, लीव्स। तो एरियल रूट से लेके एरियल पार्ट ऑफ प्लांट लीव्स तक या स्टेम तक कंडक्शन ऑफ वाटर करवाने के लिए जिन सेल्स की मदद लेते हैं प्लांट, वो कौन से होते हैं, जाइलम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू की जो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो क्या है, वन डायरेक्शन है ओनली, क्या है इसकी, वन डायरेक्शन है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। कहाँ से, फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, के रूट से लेके एरियल पार्ट ऑफ प्लांट तक मूव करता है, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से वाटर वापस रूट तक नहीं लाता। दिस तो ये क्या हो गया, बात कर ली जाइलम टिश्यू की, ठीक है। और जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, जाइलम टिश्यू क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या होता है ये जाइलम टिश्यू, बेसिकली क्या होता है, थिक होता है, रिजिड होता है, इसकी वजह से ये क्या करता है, सपोर्ट प्लांट्स को क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इज़ दैट क्लियर, समझ आ गई है। उसके बाद क्या होता है, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल होती है, कौन सी सेल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, जो किससे बनी होती है, लिग्निन से। और लिग्निन मेन कंपोनेंट किसका है, वुड का, लकड़ी का है, लकड़ी के अंदर होती है, इज़ दैट क्लियर। तो ये हो गया जाइलम की सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब जाइलम सेल के अंदर फर्दर दो टाइप्स के सेल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, दो टाइप्स के सेल होते हैं, वेसल सेल एंड ट्रेकाइड्स, वेसल सेल्स एंड ट्रेकाइड्स, जो लॉन्ग पाइप फॉर्म की, ट्यूब की फॉर्म में पाइपलाइंस लॉन्ग बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेसल सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, पाइपलाइन सेल बनाते हैं, पाइपलाइन सेल, अलोंगेटेड पाइपलाइन सेल बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेसल्स ट्यूब्स या वेसल्स सेल होते हैं। और इनमें भी क्या होती है, ये थिक सेल वॉल होती है,
थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। थिक का क्या मतलब है, इनमें थोड़ी मोटी होती है क्योंकि इन्हें वाटर की क्या करनी होती है, ट्रांसपोर्ट करनी होती है। एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ता है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, तीसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ता है। इस पूरी थ्योरी को हम कहते हैं प्रेशर फोर्स थ्योरी। इज दैट क्लियर? प्रेशर फोर्स थ्योरी हम इसे कहते हैं, वो फर्दर आप आगे स्टडीज करेंगे। उसके बाद होते हैं जो स्पिंडल शेप सेल होते हैं, जो स्पिंडल शेप सेल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेकॉइड्स कहते हैं। ट्रेकॉइड्स भी आपस में जुड़ते जाते हैं और क्या करते हैं, स्ट्रेंथ टू द रूट स्टेम के, रूट स्टेम को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। रूट सेल्स को क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात हो गई हमने जाइलम टिश्यूज की। कल जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट्स की करवाते हैं। रूट से लेके क्या करते हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। थिक रिजिड होते हैं, स्टेम्स एंड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स लीव्स में होते हैं, थिक होते हैं। तो इसका मतलब ये स्पोर्ट में भी हेल्प करते हैं प्लांट के। उसके सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं, लिग्निन से बनी होती है। इनकी सेल वॉल दो टाइप्स के होते हैं, वेसल एंड ट्रेकॉइड्स। वेसल्स क्या होते हैं, लॉन्गेटेड सेल होते हैं, लॉन्ग पाइप के फॉर्म में जुड़ते हैं। और जो इनके एंड होते हैं, क्या उसका नाम है, थिक, और इनके एंड्स वॉल लेक होते हैं, दे लेक विद एंड वॉल्स, के एंड वॉल्स में नहीं होते ये, ठीक है। उसके बाद थिक सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं और स्पिंडल, उसके बाद आते हैं ट्रेकॉइड्स। ट्रेकॉइड्स क्या होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि जो हमें फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड। फूड में बेसिकली कौन से आता है, ऑर्गेनिक मैटर आता है। फूड में बेसिकली क्या आता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है। जितना भी ऑर्गेनिक ग्लूकोज बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो भी हो रहा है, जितने भी ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट करवाता है कौन, किसकी मदद से होते हैं, फ्लोएम सेल्स की मदद से होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इनमें डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन। जैसे कि हमने जाइलम में देखा था डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन कैसे थी, फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लेकिन इसकी उसकी सिंगल डायरेक्शन थी, लेकिन इसकी सिंगल डायरेक्शन नहीं है। ये क्या करता है, रूट से फूड को कहाँ तक लेके जाता है, लीव्स तक बनाने के लिए, और जब लीव में फूड बन जाती है उसके बाद लीव से दोबारा वापस लेके आता है रूट में फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है। तो फ्लोएम टिश्यू कितने डायरेक्शन में मूव करते हैं, दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड लीव्स टू द रूट। रूट्स टू द लीव्स में जाते हैं फूड बनाने के लिए, जब लेके जाना होता है, बनानी होती है फूड, और उसके बाद जब फूड बन जाती है लीव में, उसके बाद उसको स्टोरेज स्टोर करना होता है, तो फिर लीव से कहाँ दोबारा लेके आते हैं, रूट्स पे लेके आते हैं, ठीक है। और इनके जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इनमें लिविंग सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये भी दो टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हैं, एक को हम कहते हैं सीव ट्यूब सेल्स और एक को हम कहते हैं कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब सेल्स और इनको हम क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वो लॉन्गेटेड होते हैं और इनके एंड्स पे स्मॉल पोर्स लगे होते हैं। लॉन्गेटेड सेल होते हैं और इनके एंड्स पे क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब है कि इनमें क्या होते हैं, सुराख होते हैं, जिनकी वजह से इसको नाम दिया गया है सीव ट्यूब्स का। और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नो न्यूक्लियस। जबकि जो कंपेनियन सेल है वो क्या करते हैं, ये मेक प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और दूसरा कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर कम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू ऑफ ऑफ द प्लांट्स टिश्यू क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं कंपाउंड टिश्यू कहते हैं, एक से मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। लेकिन सब सेल्स का फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सेम होता है। उस दो टाइप्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट्स करता है। इनकी जो डायरेक्शन है वो वन साइडेड होती है, रूट से क्या होता है, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी लीव्स तक लेके जाना होता है। सेकेंडरी सेल वॉल होती है, थिक होते हैं, स्पॉट भी करते हैं। दो टाइप्स के सेल होते हैं, वेसल्स एंड ट्रेकॉइड्स। लॉन्गेटेड होते हैं, जॉइंट पाइपलाइन बनाते हैं, लॉन्ग पाइप्स बनाते हैं। उसके बाद ट्रेकॉइड्स आते हैं, वो स्पिंडल शेप होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ गया फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड करता है, ये दो डायरेक्शन में करता है, रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी लीव्स तक, और लीव से कहाँ पे, रूट तक। लिविंग सेल होते हैं, उसमें भी दो होते हैं, सीव सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। जो सीव सेल्स होते हैं वो लॉन्गेटेड सेल होते हैं और उनके एंड पे क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? कंडक्शन ऑफ इन्होंने फूड करवानी होती है, न्यूक्लियस इनमें नहीं होता। जबकि कंपेनियन सेल होते हैं, कंपेनियन सेल क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 ऑफ 9th बायोलॉजी।